टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वल्ली और आज जो एक न्यूज सामने निकल के आ रहा है बहुत ही शर्मनाक खबर है। मैं जो आपको बताने वाली हूँ इस वक्त सभी को पता होगा लेडी डॉक्टर के साथ जो हादसा हुआ है उसके बाद पूरा भारत इस विषय को लेकर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन लगातार उसके बावजूद लड़कियों के साथ बच्चों के साथ लगातार कुछ ना कुछ हो रहा है। वैसा ही विषय आज डिगलीपुर से निकल के आ रहा है एक विषय, जहां पर मैं बता दूं ये पॉक्सो में कन्वर्ट हुआ है। बहुत सारे केसेस आते हैं लेकिन ये केस दिखाना बहुत ज़रूरी था, जहाँ पर बच्ची का एज जो है 13 ईयर्स की है, वहीं पर जो आदमी है उनका एज 77 ईयर्स के हैं। ज़्यादातर हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे जब बच्चों के साथ असॉल्ट होता है, असॉल्ट के केसेस, पॉक्सो के केसेस सामने आते हैं तो देखा जाता है या तो परिवार से वो कोई ना कोई होता है, या तो आस पड़ोस के कोई होता है या कोई गांव के होता है। ऐसा ही इस केस में देखने को मिला है, जहां पर इस व्यक्ति जो है उस घर का पड़ोसी है सुनने में आ रहा है और बचपन से जो है बच्ची उसको नाना नाना कर बुलाती थी और इनका एक अच्छा बॉन्डिंग था, जिस वजह से उनके मम्मी पापा भी जो है उस व्यक्ति पर ट्रस्ट करते थे और जब देखता था कि बच्चे से प्यार कर रहे हैं तो उस बॉन्डी को जो है उन लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन जहाँ तक सवाल है, बच्ची जब भी स्कूल जाती थी या कहीं जाती थी वो व्यक्ति जो है कभी भी कहना है कि मिठाई लेकर देता था या कोई भी चॉकलेट लेकर देता था, बहुत प्यार करता था। लेकिन इसी के बीच जब वो लड़की भी अपने फ्रेंड के घर से रिटर्न आ रही थी और ये व्यक्ति जो है उन्हें मिलता है सड़क में और उस बच्ची के साथ वहाँ पर बदसुलूकी करता है, उसे असॉल्ट किया जाता है और कुछ लोग वहाँ पर देखते हैं, जिसके बाद वो बच्ची अपने घर जाती है और घर पर जाके भी वो अपने मामी पापा से उस टाइम नहीं कहते लेकिन कुछ देर बाद जो है वो कहती है ऐसा ऐसा हुआ है, जिसके बाद उसके पेरेंट्स जो है तुरंत एक्शन में आते हैं और पुलिस कंप्लेन करते हैं। तो जहाँ तक सवाल रहा उस व्यक्ति के ऊपर तो केस बना है और कोर्ट में अब जो है केस चला गया है। यहाँ पर मैं उनके पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगी, जहाँ तक सवाल है बहुत सारे बच्चे हैं जो उनके साथ ऐसे घटनाएं होती है लेकिन वो सामने आकर बोल नहीं पाते क्योंकि माता पिता से ऐसा बॉन्डिंग नहीं होता है। कहीं सारे लोग बच्चे हैं जो सामने आकर बोलते हैं लेकिन माता पिता जो है इज्जत के वजह से बाहर लोग क्या सोचेंगे, जिस वजह से वो कंप्लेंट नहीं करते और इस चीज़ को छुपाना चाहते। लेकिन इस बच्ची के माता पिता ने बच्ची के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग बनाई कि उन्होंने जो है उनके माता पिता को भी बोलना सही समझा और उनके माता पिता ने तुरंत जो है इसके खिलाफ एक्शन लिया है। जैसे ही सवाल आप देखिए, इस व्यक्ति का 77 इयर्स ओल्ड है और इनका भी ये मैरिड है, इनकी वाइफ है, बच्चे हैं, कहीं ना कहीं इनके भी पोता पोती जो है इसी बच्ची के एज के होंगे और इस व्यक्ति को थोड़ा भी शर्म नहीं आता ऐसे हरकत किसी और बच्चे के साथ करने के लिए, जिसे वो लालच दिया करता था मिठाई देकर, कभी चॉकलेट देकर और इसके बाद ऐसे हादसे उनके साथ करने के लिए। क्या उसके घर पे ऐसा होता तो बर्दाश्त कर पाता आज? तो देखिए, मैं यही कहूँगी कि बच्चे जो है उनको गुड टच बैड टच तो समझाना आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा ऐसे लोग जो आसपास से भटकते रहते हैं कि किसी को मिठाई दिया जाए, किसी को ये दिया जाए, बहलाया जाए, फुसलाया जाए, उससे भी सावधान किया जाए, अपने बच्चे को इतना ज़्यादा जानकारी देकर रखें। तो देखते हैं आखिर इस केस में आगे क्या होता है, हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे का अपडेट हम देंगे और देखते रहिए वी न्यूज़। धन्यवाद।